कुछ एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद रखना पड़ेगा। जो एंगल्स हमें फोकस करने हैं वो है 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये पांच एंगल्स हैं, दीज आर 5 एंगल्स, है ना, जिनके आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज आपको याद करनी है बाय हार्ट। अब देखो ध्यान से कि टेबल क्या कहना चाह रही है। देखो ये एंगल है, एक एंगल है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्लियर है टेबल, ठीक। अब अगर आपसे बोला जाए कि टेबल बनानी कैसे, मैं अभी बताऊंगा तुमको, वापस बना के दिखाऊंगा पूरी टेबल, लेकिन अभी एक ओवरव्यू ले लो कि टेबल एक्चुअली बोल क्या रही है, ठीक है। ये तो 10th का मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है क्या, लेकिन आप इजी कर लोगे ना, खुद पे विश्वास तो रखो यार, अरे सर पे विश्वास रखो यार, सब हो जाएगा। देखो साइन 0 डिग्री 0 है, फिर 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, साइन 60 डिग्री 3/2 है और साइन 90 डिग्री 1 है। कैसे बनेगी अभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट करो। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री 3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। सर आपको तो याद है, आप तो रट के आए हो शायद, लेकिन हम कैसे याद करेंगे, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। साइन और कॉस की सारी वैल्यूज एकदम फरकतेदार, एकदम झटके से लिख दोगे तुम, लेकिन प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। देखो इसको याद कैसे करना है, पहले आ जाओ आप, टेबल बनानी कैसे है, हाउ टू मेक टेबल, हाउ टू मेक टेबल, ठीक है। आप टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे भैया, यहां लिखोगे थीटा, थीटा, थीटा क्या क्या है सर, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री, ठीक है। आपको टेबल बनानी है, बिल्कुल बनानी है, इस तरीके से आप लिखेंगे, शीरी, 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 शीरी। ओ माय गॉड, गुड लाइन, चलिए ठीक है। ये हो गई साइन कॉस 10 की लाइन, है ना, फिर एक, सब बनाएंगे टेबल मेरे साथ साथ। आज अगर टेबल बना ली ना, तो जीवन में कभी उलझोगे ना टेबल में, समझ में आया, क्या नहीं होगे, उलझोगे ना, ना बाबू ना, ठीक है, कभी भी नहीं उलझोगे, टेबल बनाओ। वैल्यूज कैसे आएंगी अभी एक शॉट में आ जाएगा तुमको समझ में, लेकिन थोड़ा रुको जरा, सबर करो, ऐसे होता ना, रुको जरा सबर करो। ठीक है, और यहां से पकड़ के एक लाइन बना देंगे, रुको यार, ओ माय गॉड, सीधी लाइन बन गई, वेरी गुड, ठीक है। 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और अंत में 90 डिग्री। टेबल आपके सामने है, देखिए ध्यान से, कहां गई भाई लाइन, हाँ ये डिंग 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 डिंग, हाँ इसको थोड़ा सा ये जो दीवार है उसको पूरा कर लेते हैं ताकि दीवार गिर ना जाए, ठीक है भैया। चलो अब आप लिखोगे यहां पर वैल्यू, सर साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टैन थीटा, फिर क्या आएगा, टैन का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। अब आ जाओ भैया वैल्यूज पे, सर ये 0, 30, 45, 60, 90 आएगा कैसे, सुनना ध्यान से। आपको छोटा सा एक फंडा बताता हूं, छोटा सा फंडा, आप क्या करो बच्चे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, क्या लिखना है सर, क्या है, कुछ नहीं, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, लिख दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, 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 ठीक है, क्या किया फिर से सुनना, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दिया और जोर से जय माता दी बोल के क्या करना है, सबके ऊपर अंडर रूट लगाना है, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, है ना, और अंडर रूट, ठीक है। क्या किया सर, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, सब पे अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। Now comes the value for sin 0 degree. 0 by 4 क्या होता है? Anyone in the comments? 0 by 4 क्या होता है? 0, 0 को under root. 0, तो sin 0 degree की value आ चुकी है 0.
वन बाय फोर का अंडर रूट क्या होता है कौन बताएगा इन द कमेंट्स फास्ट, बताओ तुम लोग बताओगे इन द कमेंट्स, वन बाय फोर का अंडर रूट क्या होता है जल्दी बोलो फास्ट, टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलेंगे वन अपॉन फोर का अंडर रूट क्या आता है, और कलरफुल बना दें, ये लो ये लो ये लो डबल कलर, ओ माय गॉड ओपी, हाँ वन बाय फोर का अंडर रूट लिखो कमेंट्स में जल्दी से, ओ भाई बढ़िया बढ़िया एक नंबर बन गया तो, हाँ जी वन बाय टू, तो मैं कह दूंगा भैया साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन टू, मुझे बताओ जरा सोच के टू बाय फोर का अंडर रूट क्या होगा, टू बाय फोर का अंडर रूट बताओ, टू बाय फोर, टू बाय फोर, टू बाय फोर का अंडर रूट बताओ जल्दी से, टू बाय फोर को अंडर रूट में कर दिया तो वन बाय टू, वन का अंडर रूट वन, टू का अंडर रूट क्या होगा रूट टू, तो वी विल राइट वॉट वन अपॉन रूट टू आ गई सर इसकी वैल्यू, यस और नो, यस और नो, वन बाय रूट टू, अगर मैं बोलू थ्री बाय फोर का अंडर रूट करो, थ्री बाय फोर का अंडर रूट क्या आएगा बोलो जल्दी से, थ्री बाय फोर का अंडर रूट बता दो जल्दी से क्या आएगा, ऊपर रूट थ्री, फोर का अंडर रूट टू मतलब रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू ठीक है, फोर बाय फोर का अंडर रूट क्या आएगा, फोर बाय फोर वन, वन का अंडर रूट वन, सो बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज हाउ वी गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, साइन जीरो डिग्री जीरो होता है, साइन थर्टी डिग्री वन बाय टू, साइन फोर्टी फाइव डिग्री वन बाय रूट टू, साइन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री बाय टू, साइन नाइनटी डिग्री वन, किस किस को चमका ये टेक्निक, किस किस को चमक गई जल्दी से बताएंगे, यस सर एनीवन इन द कमेंट सेक्शन फटाफट, कम ऑन गाइस एनीवन इन द कमेंट, चमका गया समझ में आया सर कहां से आती है ये वैल्यूज, यहां से आती है ठीक है, इसके बाद की कहानी तो सब बताते हैं, ये कहानी किस किस को बताई गई थी जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, थ्री स्टार्स लगाएंगे और फाइव स्टार खुद खरीद के खा लेंगे सर की तरफ से, है ना, ये है सर लेवल, क्या करना है जीरो वन टू थ्री फोर लिखना है, सबके नीचे चार लटका दो, फोर 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 सबका अंडर रूट ले लो, जीरो बाय फोर, वन बाय फोर, टू बाय फोर, थ्री बाय फोर, फोर बाय फोर, जीरो बाय फोर का अंडर रूट जीरो तो जीरो आ गया, वन बाय फोर का अंडर रूट वन बाय टू तो वन बाय टू आ गया, टू बाय फोर का अंडर रूट वन बाय टू, वन बाय टू रूट टू मतलब वन अपॉन रूट टू, थ्री बाय फोर का अंडर रूट क्या आएगा रूट थ्री अपॉन टू, और नाइनटी डिग्री का क्या आ जाएगा फोर बाय फोर मतलब वन, दैट इज इट, दिस इज द एक्सेलेंट टेक्निक, इससे ज्यादा नहीं कुछ मिलेगा, अगर ये समझ में आ गया अब क्या करना है, कॉस जो होता है ना कॉस थीटा, कॉस थीटा इसका बिल्कुल रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर, यहां पे वन लिखा है ध्यान से देखेंगे, ये वन लिखा है इस वन को यहां लिख दो, ये जो रूट थ्री बाय टू है यहां पर लिख दो रूट थ्री बाय टू, ये वन बाय रूट टू तो बीच में, ये बेचारा कहीं नहीं जाएगा यही रहेगा वन बाय रूट टू, ये रूट थ्री बाय टू की जगह क्या जाएगा वन बाय टू आ जाएगा, और वन की जगह क्या आ जाएगा उठ के जीरो आ जाएगा, देखो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर है भाई, ये जो पूरी टेबल को उल्टा कर दो, पहले वन लिखो फिर रूट थ्री बाय टू लिखो, वन बाय रूट टू लिखो, वन बाय टू लिखो, जीरो लिख दो, ठीक है क्या यहां तक क्लियर है, क्लियर है सर, अब आती है कहानी सर टैन क्या होता है, व्हाट इज टैन थीटा कोई बताएगा मेरे को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है जीरो अपॉन वन, टैन थीटा साइन अपॉन कॉस जीरो अपॉन वन क्या होता है जीरो, वन अपॉन टू अपन वन रूट थ्री बाय टू क्या होगा वन अपॉन टू होल अपॉन रूट थ्री बाय टू क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो वन अपॉन टू इंटू टू बाय रूट थ्री आ जाएगा, टू टू कैंसिल मतलब वन बाय रूट थ्री, तो यहां पर हम लिख देंगे वन अपॉन अंडर रूट थ्री, ठीक ओके, अब वन बाय रूट टू अपन वन बाय रूट टू वन आ जाएगा, रूट थ्री बाय टू अपन वन बाय टू क्या आएगा अंडर रूट थ्री, वन अपॉन जीरो क्या आएगा कौन बताएगा कमेंट्स में, एनी वन, हमने यहां पर किया जीरो अपॉन वन तो जीरो होगा, वन अपॉन टू अपन रूट थ्री बाय टू नीचे टू टू कैंसिल, ये वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू ऊपर नीचे वन आ गया, रूट थ्री बाय टू नीचे वाला टू इस टू से कैंसिल रूट थ्री आ गया, वन अपॉन जीरो क्या आएगा वन अपॉन जीरो बच्चों होता है इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड, इसको हम लिखते हैं एन ए, नॉट डिफाइंड को आप लिखते हो एन ए से, एन ए, एन ए का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, कॉट थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉट थीटा, एनीवन एनीवन कॉट थीटा क्या होता है जल्दी बताओ, कॉट थीटा क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है टेन का रेसिप्रोकल कर दो, टेन का रेसिप्रोकल करते ही जीरो का रेसिप्रोकल देखो जीरो क्या है जीरो, जीरो अपॉन वन रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा वन अपॉन जीरो मतलब नॉट डिफाइंड, जीरो का रेसिप्रोकल भाई
वन अपॉन जीरो हो जाएगा ना, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे मजे ले रहा हूं, तुम बता ही नहीं रहे हो मेरे को नॉट डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। या तो इसको उल्टा करके लिख दो या फिर इसका रेसिप्रोकल करके चेक करो। रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन बाय रूट थ्री का रेसिप्रोकल रूट थ्री, वन का रेसिप्रोकल वन, रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन अपॉन रूट थ्री। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या आएगा कौन बताएगा? नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या आएगा कौन बताएगा इन द कमेंट्स गाइस, कम ऑन फटाफट। नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी क्या होगा? वन अपॉन बहुत बड़ा नंबर, जीरो को अप्रोच करता है, जीरो को अप्रोक्सीमेटली अप्रोच करता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा जीरो, या फिर आप इसी ऑर्डर को रिवर्स करके लिख दो। नॉट डिफाइंड यहां आ गया, रूट थ्री यहां आ गया, वन बीच में, ये वाला रूट थ्री इधर आ गया, जीरो इधर आ गया, ठीक है। नाउ सेक थीटा, नाउ कमिंग ऑन टू सेक थीटा। सेक थीटा मतलब क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है सर? सेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस थीटा। कॉस को रेसिप्रोकल करो, चिपका दो, कॉस को रेसिप्रोकल करो और चिपका दो। हाँ जी बताओ जल्दी से क्या क्या वैल्यूज होंगी। हाँ जी बताओ यार, sec क्या है? cos का रेसिप्रोकल वन अपॉन वन, वन रूट थ्री बाय टू का रेसिप्रोकल करो तो टू बाय रूट थ्री आ गया, यस और नो? वन बाय रूट टू का रेसिप्रोकल अंडर रूट टू हो जाएगा, वन बाय टू का रेसिप्रोकल टू हो जाएगा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? जीरो का रेसिप्रोकल एनीवन इन द कमेंट्स फास्ट, जल्दी जल्दी जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा फटाफट बताएंगे। जीरो का रेसिप्रोकल जल्दी से बता दो, जीरो का रेसिप्रोकल करोगे वन अपॉन जीरो, अगेन नॉट डिफाइंड। इसको इसके ऊपर फोकस किया अपन ने, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड, यस और नो? क्लियर है, समझ में आ गया? कोसेक थीटा क्या होता है? व्हाट इज कोसेक थीटा? कोसेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा। हाँ जी, वन अपॉन साइन थीटा मतलब साइन का रेसिप्रोकल कर दो, साइन का रेसिप्रोकल कर दो मेरे बच्चों जल्दी से। साइन जीरो का रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो, नॉट डिफाइंड। वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू, वन अपॉन रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू, रूट थ्री बाय टू का रेसिप्रोकल टू बाय रूट थ्री, वन का रेसिप्रोकल वन। किस किस को समझ में आ गई? द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10 मैथ्स। जो लॉजिक मैंने बताया था उसी को यूज करके आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल फ्रेम कर सकते हो, यस और नो इन द कमेंट्स गाइस। क्लियर हुआ क्या? इज दिस थिंग वेरी मच क्लियर इन योर माइंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से लिखेंगे कमेंट्स में, प्रेजेंट सर फटाफट। कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन सो रहा है भैया पता पड़े, प्रेजेंट सर लिख दो, जो जो लोग देख रहे हैं लाइव जल्दी से। हाँ जी सर, हाँ जी, ये बात किस किस को समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल इतनी आसान नहीं है, लेकिन बनानी कैसे? चेक करेंगे इसको हम, इसको अपन चेक कर लेते हैं हमारी टेबल से, जो टेबल ऑलरेडी बनी हुई है उसके साथ हम चेक करते हैं इसको। वेट करो, है ना, इसको चेक कर लेते हैं अपन। आओ भाई जल्दी से देख लेते हैं अपन, है ना। टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो साइन जीरो जीरो, साइन थर्टी वन बाय टू, वन बाय टू, फिर वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू और वन, फिर कॉस क्या हो गया उल्टा वन रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू और जीरो। लास्ट में टेन थीटा क्या आ गया? जीरो, वन बाय रूट थ्री, वन रूट थ्री और नॉट डिफाइंड। फिर कॉट थीटा क्या आ गया? नॉट डिफाइंड, रूट थ्री, वन, वन बाय रूट थ्री एंड जीरो, ठीक, ओके सर। सेक थीटा क्या आ गया? वन, टू बाय रूट थ्री, रूट टू एंड टू एंड नॉट डिफाइंड। और लास्ट में कोसेक आ गया? नॉट डिफाइंड, टू, रूट टू, टू बाय रूट थ्री एंड वन। दैट मीन्स टेबल हमारी 100% करेक्ट है। समझ में आया? किस किस को फीलिंग आ गई कि यस सर मजा आ गया पढ़ने में? क्लियर हुआ क्या? दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट फॉर सो लॉन्ग, कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यही वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक समझ में आई क्या? जीरो, वन टू थ्री फोर, उसके बाद फोर से डिवाइड कर दिया, उसके बाद सब पे अंडर रूट लगा दिया, तो हमें साइन थीटा की सारी वैल्यूज मिल गई। क्लियर है क्या? अब इसको आप 5 मिनट के लिए घूर के देखो, उसके बाद मैं तुमसे वैल्यूज पूछूंगा, याद करो। तुमसे कोई बोल रहे साइन की वैल्यू याद कर लो, साइन जीरो जीरो, साइन थर्टी वन बाय टू, साइन फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाय टू, साइन नाइनटी वन, बोलो मेरे साथ और जल्दी से लिखते जाओ, जल्दी से लिखो। नाव में एकदम से छलांग मारोगे तो लहरों के मजदार हमें जरा झटके भी खाने होंगे, है ना। तो नाव में शुरुआत से बैठा करो अंत तक, तब नाव में समझ में आएगा तुमको कि चप्पू कैसे चलाना है एंड हाउ यू हैव टू रो विद द फ्लो ऑफ वॉटर। एम आई राइट मेरे बच्चे, है ना। इस बात को समझ, कैमरे के पीछे बैठ के कुछ भी बोलना बहुत आसान है मेरी जान,
मजा तो तब है जब तुम मेरे साथ आंखों में आंखें मिला के कुछ बोल सको। समझ में आया मेरे बच्चे? यजरो हाँ भाई, क्लियर है क्या? समझ में आया? तो भैया नाव में यदि तुम्हें चप्पू ढंग से चलाना है और लहरों के जोश में नहीं आना है तो क्लास में शुरू में आना होगा। समझ में आया? डेली क्लास में टाइम पे आना है, नहीं तो तुम जिनका नाम ले रहे हो बेटा वो भी कुछ ना उखाड़ पाएंगे, ना तुम्हारा ना हमारा। समझ में आया? अबे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, बैठ जाऊं 2 मिनट, दर्द होता टांगों में यार। हाँ ठीक है ओके। तो वैल्यूज सबने देखी, कुछ दिमाग में चमका कि कैसे वैल्यूज निकालनी। देखो भैया साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, उल्टा हो जाएगा। जो साइन 90 1 था तो कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 30 जो साइन 60 था √3/2 तो कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 45 और साइन 45 इक्वल होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। साइन 45 कॉस 45 हैव द सेम वैल्यू 1/√2, ठीक है। कॉस 60 जो साइन 30 था 1/2 वो कॉस 60 हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 हो जाएगा 0, ठीक है। टैन थीटा की वैल्यूज थोड़ा रुक के याद करवाएंगे, इतना क्लियर है क्या? तो ये था सर हमारे सामने हाउ टू फ्रेम द ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बट वेरी इजिली वी अंडरस्टूड आई गेस, ठीक है सर।